हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं लाइव मार्केट ऑप्शन चेन एनालिसिस, हम लोग किस तरीके से इसको सेंटिमेंट के साथ जोड़ने वाले हैं। ठीक है, वेर एज आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में हम लोगों को क्या सिनारियो अभी दिख रहा है। फिलहाल के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो 22,600 पर रेजिस्टेंस था, जो कि अब 22,500 पर जाता हुआ हम लोगों को दिखाए, यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस जाता हुआ दिखाए। तो ये गलती से भी मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पर आप इसको समझ के बैठो कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। जी नहीं, ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, क्योंकि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के हम लोग देखेंगे। और हाँ, किस तरीके से ये चीज हुआ, मार्केट आज क्यों इतना गैप अप खुल करके नीचे करेक्शन करके वापस आए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 100% जो वॉल्यूम था वो 22,600 के ऊपर मॉर्निंग में था हमारा। ठीक है, और करीब करीब सपोर्ट की तरफ हमें 22,400 का सपोर्ट दिखाई दे रहा था, और ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। इसके लिए हम लोग क्या कर गए, मार्केट में गैप अप ओपन कर गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी क्लोजिंग जो हुए 440 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी, वीक टूवर्ड्स टॉप था, तो 600 के पास हम लोग डायरेक्टली ओपन हुए। अभी मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा को मॉर्निंग से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और ये वीक टूवर्ड्स टॉप था। ठीक है, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप था 400 से 500 तक, और रेजिस्टेंस जो था वो 600 की लेवल पर था, इसलिए हम लोग क्या कर गए, गैप अप ओपन कर गए। ठीक है, ये होता है गैप अप ओपनिंग का सिनारियो। तो ऐसे ही अगर आप पूरा इन डिटेल्स में इस ऑप्शन चेन को मेरे साथ सीखना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही पूरा डिटेल्स में मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है कम्युनिटी बैचेस का, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो कि कम्युनिटी बैच में एडमिशन करना है, आपको पूरा एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है, तो मुझसे आप सीख सकते हो पूरा स्टॉक मार्केट। अब बात कर लेते हैं सेंटिमेंट्स की। इस डेटा को हम लोग, हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग चलने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, अगर इस वीडियो में अब अभी आप देख रहे हो तो क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो आपको सेंटिमेंट्स भी समझ में आने वाले हैं, और किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं चार्ट के ऊपर हम लोग जाकर के देखते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको बाद में, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी के चार्ट में। अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा गैप अप ये खुला, रीजन आपको पता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था तो ये गैप अप खुला, सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव रहे होंगे, कहीं ना कहीं न्यूज पॉजिटिव रही होगी, और ये इतना बड़ा गैप अप खुला। अब गैप अप कितना खुल रहा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का ये गैप अप खुला, 170 पॉइंट्स के करीब करीब गैप अप ये आज मार्केट ओपन हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बड़ी न्यूज रही होगी, या फिर क्या ऐसा बड़ा कुछ हुआ होगा मार्केट के अंदर कि इतना बड़ा गैप अप आपको लगता है सस्टेन कर जाएगा, टिक जाएगा? ठीक है, कितने परसेंट चांसेस है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये चांसेस जो है वो बहुत कम है, 50% चांसेस है कि ये सस्टेन कर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है वो फॉल कर गया, बहुत अच्छा यहाँ पर रिकवर किया, और देन अगेन नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, और धीरे 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 करके क्या कर गया, यहाँ पर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उल्टा हुआ है सब। ठीक है, यहाँ से सीधा गैप डाउन खुला, नीचे आया और फिर से रिकवर कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, है ना, न्यूज कुछ रही होगी। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, सीधा नीचे की तरफ आ गया, तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है? ठीक है, गैप डाउन खुल रहा है तो रिकवर करके ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल रहा है तो करेक्शन करके नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको कैच करने के लिए हम लोग एक सिंपल रूल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल रूल रूल यूज करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा लेट एंट्री दे रहा है लेकिन प्रॉफिट में जा रहा है हमारा मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में वापस से देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है पर नहीं, 600 से ये बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये अभी का डेटा है, और हिस्टोरिकल डेटा मॉर्निंग का अगर हम लोग देखें तो ये देखो 600 पर रेजिस्टेंस था ये वाला, और ये वीक टूवर्ड्स क्या बन रहा है, बॉटम बन रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम बन रहा है। तो वीक टूवर्ड्स बॉटम, अब ये जो है, ये जो था वीक टूवर्ड्स टॉप, ये शिफ्ट हो चुका, इसका असर हो गया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 170 पॉइंट्स की रैली गैप अप करके हो चुकी। ठीक है,
इसका जो वीक टुवर्ड्स टॉप था ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, तो इसका एक्शन चालू होगा ना, तो ऊपर से नीचे मार्केट गिरना पड़ेगा, गिरना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये 9:30 पर ही एक्चुअल में पता था कि मार्केट जो है वो गिर सकता है या फिर गिरने वाला है। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम और टॉप का ही सारा कुछ खेल है, और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब आपका जो नॉलेज है वो अभी कहीं ना कहीं अधूरा है, कम पड़ रहा है, इसको आपको ग्रो अप करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर 9:30 के बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए 9:30 पर ही ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, इसका मतलब क्या, आपको 9:30 वाली कैंडल, कौन सी है मैं दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल, एग्जैक्टली ये वाली कैंडल। पर अगर प्राइस एक्शन वाइज भी आप देखिए, यहाँ से नीचे आया है, नीचे से मतलब यहाँ से नीचे आया है, नीचे से ऊपर गया है, और ये फिर कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बिल्कुल हम लोग रेजिस्टेंस पर ही खुल रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक स्टॉप लॉस डाल करके आप यहाँ पर कॉल सेल कर सकते थे, 22,600 का कॉल यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। उसका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग कवर कर रहे हैं, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। निफ्टी का हम लोग कॉल यहाँ पर लगा लेते हैं, कौन सा कॉल ट्रेड करेंगे हम लोग, 22,600 का। अगर आप बिगनर हो तो यही कॉल आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और कॉल देखो, आप अगर कॉल को सेल करोगे 31 रुपीज पे, तो 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 41 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस, 31 रुपीज पे आपने सेल किया, 32-31 पे आपका जो ट्रेड है वो 4 रुपए पे अभी चल रहा है, 3 रुपए पर ये आ चुका था, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट हुआ। अगेन इसकी बात करते हैं, पुट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन चेन में हम लोग पुट ओपन कर लेते हैं, 600 का पुट जो है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कंप्लीटली ये गैप डाउन खुला होगा, बहुत बड़ा गैप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं 5 मिनट के इसमें, करेक्ट, यहाँ पर अभी देखते क्या हुआ, 5 मिनट का कैंडल क्या हुआ, निगेटिव बन रहा है, 5 मिनट का कैंडल क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। यहाँ पर जब ये तभी यूज करना है जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, ये कभी भी यूज नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, अगर गैप डाउन ओपन होता तो ये रिकवर करके ऊपर जाता, गैप अप ओपन हुआ है तो ये आप लोअर तक का टारगेट यहाँ पर सेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ तक का टारगेट आप सेट कर सकते हो। जैसे ही आपको ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करता दिखाई दे 5 मिनट की कैंडल का, पहले 5 मिनट तो ट्रेड करना ही नहीं है, पहले 5 मिनट का कैंडल छोड़ दो, तुरंत ये नीचे की तरफ जा रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करके एक स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, और ये आप हाई तक होल्ड कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर करना आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटिमेंट्स है ना, और डेटा आप आपका परफेक्ट बन रहा है, डेटा आपका परफेक्ट बन रहा है, 500 पर अभी सपोर्ट हुआ है आपका शिफ्ट, और वीक टुवर्ड्स बॉटम ये डेटा बन रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे 550 पर हुआ, देन 500 पर भी ये गया होगा, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हुआ है ना ये 500 पर ही हुआ है, तो ये टॉप से बॉटम पर, वीक टूवर्ड्स बॉटम था इसीलिए मार्केट ऊपर से ड्रॉप कर गया। बातों को आप समझो जरा। ठीक है, और अभी अगर आपको बाइंग करनी है तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 288 के आप कर सकते हो। ठीक है, बाइंग अगर करनी है तो, लेकिन ये 288 आएगा क्या? ठीक है, ये कहाँ तक आया था, यहाँ तक नीचे आया था, 22,300 तक आया था। ठीक है, ये 288 अगर आएगा तो नसीब आपका अच्छा है कि आपको बाइंग करने के लिए मिल जाएगा दिन भर में, एक कॉल आप बाय कर सकते हो 288 पर। मैं आपको लेवल दे देता हूँ यहाँ पर, 90 के आसपास कर सकते हो, 300 के आसपास भी आप एक कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि यहाँ से कंप्लीटली साइडवेज भी चला जा सकता है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डेटा डेटा को अगर देखे, ठीक है, मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं, डेटा को दिखाने के लिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर निफ्टी का। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देखो 400 पर, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में 400 पर कॉल और पुट राइटर सिमिलर दिख रहे हैं, सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या, 400 पर स्ट्रैडल बन चुका है, 500 एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे 300 एक सपोर्ट रहेगा, 22,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है नीचे के लेवल पर। तो ये सारे पुट सेल किए गए हैं, ये सारे कॉल सेल किए गए हैं, और स्ट्रैडल भी बना हुआ है।
में भी हो सकता है एक्सपायरी साइडवेज चली जाए, कोई आइदर साइड आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिले। मॉर्निंग में आपको मूवमेंट मिल चुका है, ठीक है, अभी भी आप देखो कॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक लेवल दे दी है, इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, तो अभी हम लोग इसके अंदर कॉल में एंट्री कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट। तो इसके हम लोगों ने रेंज जो है वो निफ्टी के लिए भी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ये रेंज का अभी अभी ब्रेकआउट आया है, ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट अभी अभी आया है, और कॉल जो है ना वो बहुत अच्छा शूट किया होगा निफ्टी का। अगर हम लोग देखें 400-500 का कॉल आपको मैं लगा देता हूँ, यहाँ सामने ही चल रहा है सब कुछ, लाइव में बता रहा होगा, ठीक है, 400 का या फिर 500 का कॉल, 400 का ही कॉल को लगाते, ठीक है, 0 यूरो मिलेगा नहीं मिलेगा बाद की बात है, लेकिन आपको अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ सामने सामने दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये सस्टेन करता है तो ये इस हाई तक 200 रुपये तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लाइव में चल रहा है बिल्कुल, कोई मतलब यहाँ पर देखो कितनी जबरदस्त कैंडल यहाँ पर बन रही है, ठीक है, इसी के ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक रेंज मैंने ड्रॉ करके रखी थी, ठीक है, ये वाली रेंज जो है वो ड्रॉ करके रखी थी, इसका ब्रेकआउट आया और जो हुआ था, ठीक है, वो होने लगा है ब्रेकआउट पर। अब ये कितना सस्टेन करता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी, ठीक है, ये कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है, ठीक है, ये कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है बैंक निफ्टी के ट्रेड में, ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, ठीक है, जितना सस्टेन करेगा उतना निफ्टी का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ सस्टेन कर सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन सस्टेन कर गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि साइडवेज गया ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, सस्टेन करेगा वापस 600 जा सकता है, ये जो कॉल है 6540 का ये 80 हो चुका है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर देना है, ठीक है, आप इसको बाद में देखोगे भी किस तरीके से ये सिनारियो काम कर रहा है, ठीक है, पर लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीक टूवर्ड्स बॉटम था, उसकी शिफ्टिंग हो चुकी, अब ये वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं है, सपोर्ट नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट जो है वो नीचे गिरा, ठीक है, 400 पर रजिस्टेंस था मॉर्निंग में, अगर हम लोग देखें मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, 400 पर रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला 400 पर सपोर्ट था, ये बाद में जाकर के यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, 500 पर, और बाद में जो मार्केट गिरा तो ये नीचे की तरफ 300 पर जाकर के बैठा, तो सपोर्ट अभी जो दिखाई दे रहा है वो 300 का ही, ठीक है, और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम, ये भी 500 से वीक टूवर्ड्स बॉटम बना, और बॉटम की तरफ मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त गिरावट दे करके नीचे की तरफ आया है, तो एक फुट का ट्रेड आपको 101% मॉर्निंग से मिला होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई, क्यों मार्केट गैप अप खुला, क्यों मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि डेटा जो था वो वीक टूवर्स बॉटम बना, 930 के अराउंड अराउंड आप जाकर के चेक करो रजिस्टर, वीक टूवर्स बॉटम बना है 600 से 550 पर, तभी आपको वो समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करके लॉसेस कर लोगे, उससे बेटर है लर्निंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।